गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देव प्रकाश आपका इनोवेशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग उत्तल दर्पण का समग्र अध्ययन करेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण के जो विभिन्न पद होते हैं यानी कि फोकस कहाँ होता है, उसका वक्रता केंद्र, ठीक, ध्रुव, इन सब सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। इसके अलावे उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम है उस नियम के बारे में देखेंगे। फिर प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का आकार कैसे बदलता है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इन सब सारी चीज़ों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे और इस पूरे वीडियो में इन सारी चीज़ों को समेटने का प्रयास करेंगे। ठीक, अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे हैं सब कुछ सही है, ठीक ना। आप इस वीडियो को, जो भी वीडियो है, आप उस वीडियो को एक से दो बार देखिए, उन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। उसके बाद भी अगर समझ में आए तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक। आज हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर, ठीक। देखिए, पहले से हम लोग पढ़े हैं कि गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है, ठीक ना। और कांच के खोखले गोले के अगर भीतरी भाग को अगर हम कलई कर दें, चांदी की परत इसके भीतरी भाग पर हम चढ़ा दें, तो परावर्तक सतह का कार्य कौन करता है, जो इसका उभरा हुआ भाग होता है या इसका उत्तल भाग होता है, ठीक। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है वह खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का भाग होता है, या कहें तो एक प्रकार का गोलीय दर्पण ही होता है, जिसकी भीतरी सतह को क्या किया गया, रचित किया जाता है, कलई किया गया रहता है, और परावर्तक सतह का कार्य कौन करता है, उभरा हुआ भाग, उत्तल भाग, इसीलिए उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह उत्तल होता है, अर्थात उभरा हुआ होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या तो दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण का जो आगे वाला भाग हुआ यह हुआ जिधर वस्तु रहेगी, और उत्तल दर्पण के पीछे वाला भाग हुआ वह यह होगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा उत्तल दर्पण में जो उसका वक्रता केंद्र होता है, जो उसका फोकस होता है, यह सब क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है। यह आपका मुख्य अक्ष हुआ, यह आपका ध्रुव हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए उत्तल दर्पण को आप पहचानना सीखिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको इसी तरह से मिलेगा, ठीक है। जैसे ये वाला पिक्चर यहाँ बनाया गया इसी तरह से मिलेगा, हो सकता है कोई ऐसे ही बना दे और इधर से इसको कलई कर दे, तो ये भी आपका उत्तल दर्पण ही है, ठीक ना। उत्तल दर्पण को पहचानने का यही एक तरीका है कि जो परावर्तक सतह होगा वो उभरा हुआ होगा, उत्तल होगा, तो वो उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक ना। अगर उत्तल सतह जो है, उभरा हुआ सतह जो है, वह परावर्तक सतह नहीं है, उस पर कलई किया गया है, तो फिर वो आपका अवतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप उत्तल दर्पण को कभी भी अगर आ जाए तो आप उसको पहचान सकते हैं, उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। ठीक, अब आगे चलते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको प्राप्त करने का क्या नियम है, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए रे डायग्राम की चर्चा करेंगे। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को प्राप्त करने का नियम जो है, हम उसको देखते हैं, ठीक। सबसे पहला जो नियम है वह कहता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से
आती हुई प्रतीत होती है। यह उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं यह उसका पहला नियम है। इसमें कह रहा है उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। देखिए उत्तल दर्पण और परावर्तक इस तरफ है तो प्रकाश की जो किरण आएगी किधर से आएगी, इधर से ही आएगी, ठीक ना। तो मान लीजिए एक प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो आएगी, ठीक आ गई, यह मुख्य अक्ष है, यह आपका प्रकाश का किरण है। लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर आपतित आपतित प्रकाश की किरण। अगर कोई किरण वैसी होगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद ही, पहला चीज कह रहे मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती है, ठीक ना। तो दर्पण से जब इसका परावर्तन होगा ये इधर जाएगी नहीं, यही सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक ना। जब यह यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है पीछे की तरफ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगी इधर। लेकिन देखिए जब ये जो परावर्तित किरण है, यहाँ पर क्या है हमारा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इस परावर्तित किरण को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो जब इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाइएगा तो देखिएगा यह परावर्तित किरण ऐसा लगता है मानो कि फोकस से आ रही है, ठीक है। इसको ध्यान से अगर देखा जाए ये लगता है कि यह परावर्तित किरण यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। ये पहला। दूसरा नियम है उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण की ओर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। पुनः उसी मार्ग से वापस क्या होती है, लौट जाती है, या उसी मार्ग से वापस परावर्तित हो जाती है। अब देखिए हम लोग को जो यहाँ पर रे लेना है वह वक्रता केंद्र की तरफ आते हुए रे लेना है। ये रहा आपका वक्रता केंद्र, ठीक ना। तो कोई भी जो रे होगा वो आएगा कैसे, मान लीजिए यहाँ से ऐसे रे आया जो कि वक्रता केंद्र की तरफ जा रहा है, ठीक। तो आपको मालूम है कोई भी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र की ओर जाती है सीधे वह अभिलंबवत होती है, और अभिलंबवत जो भी प्रकाश की किरणें होती हैं वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस क्या होती है, लौट जाती है, ठीक ना। लेकिन अगर इस परावर्तित किरण को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, इस परावर्तित किरण को जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है यह किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तीसरा नियम देखते हैं क्या होता है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आपतित प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए जो हमने पहला नियम पढ़ा था आज का, उस नियम में यह कह रहा है कि अगर कोई प्रकाश किरण है जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है,
तो पहला नियम का यह ठीक विपरीत उल्टा नियम है। ठीक, इस नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है जो उत्तल दर्पण के फोकस की ओर आपतित हो रही है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से क्या होती है, समानांतर हो जाती है। चलिए मान लेते हैं ये मेरा फोकस है और कोई प्रकाश की किरण है जो कि ऐसे फोकस की तरफ एकदम बिल्कुल आ रही हो। ठीक, ये प्रकाश की किरण हुई फोकस की ओर आ रही, इसको और बढ़ाया जाए आगे की तरफ, देखिएगा ध्यान से फोकस की तरफ ही आ रही है, आ रही। तो क्या होगा यहाँ से, जैसे ये दर्पण पर पड़ेगा यहाँ पर, इसके बाद इसका परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद क्या होगा, या ये जो मुख्य अक्ष है मुख्य अक्ष के क्या होगा, समानांतर अपना चला जाएगा। ठीक ना, मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाएगा या फोकस की ओर आपतित किरण और यहाँ से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित। एक जो आखिरी नियम बचा है, नियम चार देखते हैं, ये कहता है उत्तल दर्पण के ध्रुव की ओर आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। देख लीजिए, यहाँ पर उत्तल दर्पण का ध्रुव है और एक प्रकाश किरण लेकर आते हैं जो कि सीधे सीधे डायरेक्ट उसके ध्रुव पर आकर पड़ता है। ठीक ना, ध्रुव की ओर लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, एग्जाम में इसको जरूर लिखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर इंडिकेट जरूर कीजिएगा, ध्रुव की ओर आपतित प्रकाश किरण। ठीक, तो जब ये ध्रुव की ओर आपतित होगी तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के साथ क्या होगा, मुख्य अक्ष यहाँ पर अभिलंब की तरह कार्य करेगा और मुख्य अक्ष के साथ मान लीजिए यह कुछ कोण बनाएगी। ठीक, आपतन कोण, जितना कोण ये बनेगा उतना ही कोण से क्या होगा, परावर्तन के बाद ये ऐसे वापस लौट जाएंगे। ठीक ना, ये हो जाएगी आपकी परावर्तित किरण और यहाँ पर एंगल आर। ठीक, परावर्तित किरण हो गया। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के यही चार नियम थे जो कि हमने पढ़ा। ठीक, और आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो नियम हैं बिल्कुल सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा जो अंतर हो जाता है इसमें हम काल्पनिक किरणें लेते हैं और वहाँ पर आपकी वास्तविक किरणें मिलती थी। ठीक ना, अगर यहाँ से हम नोट डाउन करें, एक चीज़ नोट करके रखिएगा हमेशा कि उत्तल दर्पण में जो उसका मुख्य फोकस होता है और उसका जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे होता है। ठीक ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा एक और नोट पॉइंट है कि उत्तल दर्पण के पीछे दिखाई गई जो सभी किरणें होती हैं, सारी की सारी किरणें आभासी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। ठीक ना, इसलिए आप देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह आपका हमेशा काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, याद रखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा आपका काल्पनिक बनता है और वह सीधा बनता है। ठीक, उत्तल दर्पण में जो भी परावर्तित किरणें होंगी दर्पण के पीछे उनको हम लोग टूटी रेखा यानी डॉट डॉट लाइन से दर्शाएंगे। आइए हम लोग अब
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने से पहले आप एक नोट देखेंगे, क्या होता है कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति कोई भी हो, यानी अगर ये उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति कोई भी हो, यानी कहने का तात्पर्य है अगर आप वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक, या आप वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं या वस्तु को आप अनंत पर रख रहे हैं, ठीक ना, उत्तल दर्पण के सामने वाला भाग जो होता है यही होता है, ठीक ना, ये उत्तल दर्पण का पीछे होगा या आपका सामने होगा। तो उत्तल दर्पण के सामने आप वस्तु को कहीं भी रखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखेंगे, हमेशा वह क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक ना। वस्तु जो आपकी रहेगी हमेशा आगे रहेगी, सामने रहेगी उत्तल दर्पण के, और जो प्रतिबिंब होगा आपका हमेशा किधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरी बात कि वो आभासी एवं सीधा होता है, आभासी यानी कि काल्पनिक होता है, काल्पनिक होगा और कैसा होगा, बिल्कुल वो सीधा होगा, ठीक, और वस्तु से छोटा बनता है। अगर देखिए वस्तु हमारी इतनी बड़ी है यहाँ पर, तो जो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा वह आप देखिएगा कि क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक ना, आभासी बनेगा और काल्पनिक बनेगा, ठीक। एक और पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु की स्थिति दो ही मिलती है यहाँ पर, वो फोकस और ध्रुव के बीच में ही रहता है और छोटा बन जाता है, ठीक। अब अगर वस्तु की स्थिति को बदले तो प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन होता है, और उत्तल दर्पण में मुख्यतः दो केस ही बनते हैं। एक केस बनता है जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच हम कहीं रखते हैं, इस पर मुख्य अक्ष पर, ठीक, और दूसरा केस बनता है कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। हम बारी बारी से इन दोनों केसों का अध्ययन करेंगे कि वस्तु कहाँ रहेगी, प्रतिबिंब कैसा होगा, फिर उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन लेंगे जहाँ से इसको याद रख सकते हैं आसानी से हम, ठीक है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का जो बनना होता है उसकी चर्चा करते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल दो ही केस इसमें बनता है। पहला जो केस होता है जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो, ठीक ना, ये आपका ध्रुव है। वस्तु कहाँ रखना है आपको, तो उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत इधर आपका, इसके बीच में आपको वस्तु को रखना है, ठीक है। मान लीजिए वस्तु को हम रखते हैं, चलिए यहाँ पर ये वस्तु, ठीक, वस्तु ए बी, अब हम लोग रे डायग्राम खींचेंगे। रे डायग्राम खींचने के बाद पता चलेगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा और छोटा बनेगा कि क्या। सबसे पहले जो लाइन खींचते हैं वो हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं, क्योंकि मालूम है कि मुख्य अक्ष के जो समानांतर किरणें होती हैं उत्तल दर्पण में भी, वह दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद क्या होगा, ये किरणें ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो फोकस से क्या होता है, आती हुई प्रतीत होती है। पहला रे डायग्राम यही खींचा है जो आपका यहाँ पर। दूसरा रे डायग्राम खींचेंगे वो होगा कि हम लोग उसको वक्रता केंद्र से होकर ले चलेंगे, ठीक ना। हो सकता है यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको और पीछे की तरफ ले जाएंगे डॉट डॉट लाइन से, देखेंगे इसका जो कटान बिंदु है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ, दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ।
तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब आपका बना है वो प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से छोटा बना है, दर्पण के पीछे बना है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं पहला चीज कि जो बना प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे, ठीक कहाँ बना है? ध्रुव और फोकस के बीच बना है, पी और एफ के बीच। दूसरा पॉइंट अगर नोट किया जाए यहाँ से, तो प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक है और सीधा है, ठीक लिख सकते हैं हम लोग। प्रतिबिंब कैसा है? आभासी एवं सीधा बना है, तीसरी तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब जो बना है वस्तु से कैसा है? छोटा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना है, ठीक ना। आइए इसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अगर ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, वस्तु को हम ध्यान से याद रखिएगा, हमने वस्तु को दर्पण के क्या किया, नज़दीक रखा है। अब हम वस्तु को दर्पण से थोड़ा दूर लेकर आते हैं और तब देखते हैं प्रतिबिंब के आकार में, प्रतिबिंब की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, ठीक ना। देखिए कभी भी उत्तल दर्पण में याद रखिएगा, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा ही बनेगा वस्तु से, ठीक ना। परिवर्तन क्या होता है? तो बस उसका आकार और उसकी स्थिति बदलती जाएगी क्या, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग, अगर मान लिया जाए कि हम लोग वस्तु को यहां पर रखते हैं, दर्पण से दूर लेकर आए हैं वस्तु को, ठीक ना, और थोड़ा सा बड़ा भी किया है, तो फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन जो पैरेलल आएगी, और पैरेलल लाइन क्या होती है? वो दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है उससे आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि यह अगर आपका मुख्य फोकस है तो लाइन जो होगी यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, ये होगी परावर्तित किरण, ठीक ना। थोड़ा सा टेढ़ा बना इसको सीधा बनाते हैं, ठीक। एक दूसरी लाइन जो लेते हैं वो हम लोग वक्रता केंद्र से लेते हैं, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, आपका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बना, यहाँ पर बना। अब एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर कि जब हम लोग वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं, अगर आप वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो जो आपका इमेज है, जो आपका प्रतिबिंब है, वह फोकस की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि ध्रुव से फोकस की तरफ धीरे धीरे वह बढ़ता जाता है, ठीक ना। और एक ऐसा समय आएगा जब आप वस्तु को बहुत दूर, यानी आप अनंत पर लेकर चले जाइएगा, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह फोकस पर बनेगा, ठीक ना। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे आप एकदम, कि जब हम लोग उत्तल दर्पण में जैसे जैसे वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब फोकस की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। ये हम लोग इसका दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, यानी कि जब वस्तु जो है हमारा अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अनंत पर स्थित अगर वस्तु है तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वह समानांतर आती हैं, ठीक। तो मैंने दो प्रकाश की समानांतर किरणों को लिया है, पहली जो किरण होगी वह ध्रुव की तरफ आपतित करेगी और यहाँ से जितना एंगल से आएगी उतना ही एंगल से आओगी वापस रिटर्न चली जाएगी, ठीक। फिर मैंने इस परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया है जो कि इधर आ रही है, दूसरी किरण जो ठीक इसी के समानांतर मैंने लिया, और इसमें मैंने क्या किया, इसको भी एक अभिलंब ड्रॉ किया और फिर ये उसी कोण से परावर्तित हुई, और इस परावर्तित किरण को जब मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया तो दोनों फोकस पर कटती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना। याद रखेंगे यहाँ पर आप प्रतिबिंब का अगर देखें तो प्रतिबिंब आपका कैसा बना है, पहला पॉइंट कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है,
दर्पण के पीछे बनाए, कहाँ बनाए, फोकस पर बनाए, दर्पण के पीछे एफ पर। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर, प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है और सीधा है, काल्पनिक एवं सीधा। और तीसरी पॉइंट बात करें तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बहुत अधिक छोटा है, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक, जब तक आप लाइक नहीं कीजिएगा तब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप लाइक करते रहिए और मैं इसी तरह अच्छे तरीके से खूब मन से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, हो गया ये, एक नोट करके देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, नोट करके देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण की जो सबसे बड़ी खास बात होती है, उत्तल दर्पण क्या करता है, अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह फोकस पर और छोटा बनाता है। ठीक है, तो ये जो एक घटना है, प्रकाश की इसको घटना ही कहेंगे, यह जो घटना है इस घटना का उपयोग होता है बहुत अधिक। हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण के द्वारा बड़ी बड़ी इमारतों, बड़े बड़े पेड़ों का जो प्रतिबिंब होता है, एक छोटे से दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी हम उसको देख सकते हैं। ठीक, इसके लिए आप देखते हैं उत्तल दर्पण का जो साइड मिरर होता है वाहनों में लगा, ठीक ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक विस्तृत क्षेत्र बनाता है और यह बड़े से बड़े वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या करता है, छोटे रूप में बनाकर हमको दिखाता है। ठीक ना, याद रखेंगे यहाँ से नोट में एकदम बिल्कुल, अगर बड़े बड़ी इमारतों या पेड़ों का जो इमेज हमको देखना है तो उसके लिए हमको उत्तल दर्पण प्रयोग में लाना होगा, तब जाकर आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो अवतल दर्पण में और समतल दर्पण में ये संभव नहीं है जल्दी। ठीक है, धन्यवाद।